तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सारे लोग। मेरा नाम मनीष है और भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब यहाँ पे भाई बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 का लैपटॉप नहीं खरीद सकते। उनका बजट जो होता है भाई 25,000 रुपये का, और उसी के अंदर उनको लैपटॉप बाय करना है अपने स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के काम के लिए, और कोई सा भी काम हो सकता है जो तुम करने की सोच रहे हो। तो उसके रिगार्डिंग जो था भाई यहाँ पे आपको टोटल 4 से 5 लैपटॉप बताऊंगा, और ये जितने भी लैपटॉप होंगे भाई सारे के सारे भाई अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं। तुम्हें कोई नेहरू प्लेस या कोई ऑफलाइन मार्केट जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग भाई ऑनलाइन खरीद सकते हो। और मैं जो था भाई खुद वाला बंदा हूँ जो अपने जितने भी लैपटॉप है मेरे पास, मेरे घर में 2 लैपटॉप है, मैंने सारे लैपटॉप ऑनलाइन खरीदे हैं, और एक से बढ़कर एक लैपटॉप भाई हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो था भाई आपको 5 लैपटॉप बताऊंगा, 4 से 5, और वीडियो जो था भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। वीडियो को जो था भाई अभी के अभी लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा भाई लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह के भाई लैपटॉप वाले कंटेंट के लिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 1 लैपटॉप से। नंबर 1 लैपटॉप है भाई ज़ेवरोनिक्स, ज़ेवरोनिक्स प्रो सीरीज ZNBC। प्राइसिंग 26,000 रुपीज़ है, अमेजोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, ये वाला लैपटॉप जो होता है भाई इस वाली वीडियो का सबसे ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप है। अब चाहे आपका किसी भी टाइप का काम हो, ऑफिस का काम हो, स्कूल का काम हो, कॉलेज का, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, कोई सा भी भाई हाई लेवल का काम भी हो, वो जो होता है ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों को भाई 12 जनरेशन का इंटेल i3 देखने के लिए मिलता है जो मार्केट के अंदर लेटेस्ट चल रहा है, और इसकी परफॉर्मेंस जो था भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको सारी स्पेक्स बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को i3 देखने के लिए मिलता है 1215U, 6 Core 8 Thread, 10 MB का L3 कैश है, 4.4 GHz टर्बो क्लॉक है, और परफॉर्मेंस वाइज ये वाला CPU भाई आपके जितने भी काम है, मतलब जो जो तुमने दिमाग में करने की सोच रहे हो ना, कोडिंग, 3D रेंडरिंग, डिजाइनिंग, एनिमेशन, लॉग, ठीक है, जावा, सब कुछ जो होता है भाई ये हैंडल कर सकता है। बात करते हैं रैम की, तो यहाँ पे 8 GB की रैम दे रखी है, 512 GB की M.2 SSD दे रखी है, 15.6 इंच की 1080p IPS डिस्प्ले दे रखी है, और IPS डिस्प्ले होने की वजह से भाई यहाँ पे जो इसका स्क्रीन के कलर्स होंगे, मतलब इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी भाई, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर तुम मूवी वॉचिंग करना चाहते हो, नेटफ्लिक्स बिंज, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, फोटोशॉप करोगे, एडिटिंग करोगे, तुम्हें बढ़िया लेवल के कलर चाहिए, तो भाई यहाँ पे IPS डिस्प्ले दे रखी है। बात करते दोस्तों यहाँ पे विंडो की, विंडो 11 होम हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी की बात करते भाई 38.5 Wh की बैटरी है जो आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप देगी, और एडिशनल फीचर्स में 180 डिग्री का टिल्ट डिजाइन दे रखा है, मेटल बॉडी है, फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है, और यहाँ पे भाई पूरी की पूरी हमको मेटल बॉडी देखने के लिए मिलती है, और मेटल बॉडी होने की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, और फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे रैम और जो स्टोरेज है भाई काफी ठीक दे रखा है, हमको 8 GB रैम दे रखी है, 8 GB रैम जो था भाई काफी सफिशियंट होती है, और 512 GB जो होता है SSD काफी ज्यादा सही होता है इस वाले लैपटॉप के अंदर, क्योंकि भाई काफी सारी कंपनी यहाँ पे 256 GB भी देती है, इसलिए जो था भाई ज़ेवरोनिक्स ने काफी अच्छा रखा, मतलब 500 GB SSD दे दी। अब यहाँ पे दोस्तों बारी आती है हमारे दूसरे लैपटॉप की। दूसरा लैपटॉप आता है भाई लेनोवो की तरफ से, लेनोवो V15। प्राइसिंग 28,000 रुपीज़ है, अमेजोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, जितने भी लैपटॉप इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भाई सबके ऊपर डिस्काउंट है। ये वाला लैपटॉप अगर तुम डिस्काउंट लगा के लोगे तो तुम्हें अराउंड 26,000 रुपये का पड़ जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और यहाँ पे जो होता है भाई ये बात ध्यान रखना, लेनोवो जो होता है भाई थोड़ा बेटर ब्रांड है एज कम्पेयर टू ज़ेवरोनिक्स। यहाँ पे ज़ेवरोनिक्स का जो लैपटॉप था वो एक चाइनीज ब्रांड है, और ज़ेवरोनिक्स जो था भाई मार्केट के अंदर नया नया आया लैपटॉप सेगमेंट के अंदर, तो इसलिए जो था भाई उसके लैपटॉप जो था आपको थोड़े से बैटरी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जितने बाकी लैपटॉप है भाई वो जो होता है काफ़ी बढ़िया ब्रांड्स आते हैं, मतलब लेनोवो, एसर, HP, और ये जो ब्रांड होते हैं ना ये वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी देते हैं, इसी की वजह से जो होता है भाई यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेक्स कम देखने के लिए मिलेगी अगर आप इसे ज़ेवरोनिक्स वाले से कंपेयर करोगे। बात करते दोस्तों यहाँ पे CPU की, तो यहाँ पे हम लोग को राइजन 7000 दे रखा है, 7320U, 4 Core 8 Thread, 4 MB का कैश है, और देखो दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज ये वाला CPU भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आप इसे इंटेल i3 से कंपेयर करोगे तो भाई उससे थोड़ा सा वीक है। भाई जाहिर सी बात है वो इंटेल का CPU है, वहाँ पे जो होता है भाई फिजिकल कोर दे रखे हैं तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा इसके कंपैरिजन में, पर यहाँ पे भाई ब्रांड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेनोवो जो होता भाई काफ़ी बेटर ब्रांड है एज कम्पेयर टू ज़ेवरोनिक्स। बात करते दोस्तों यहाँ पे रैम की, 8 GB की रैम दे रखी, DDR5 रैम, 5500 MHz की स्पीड है, 512 GB M.2 SSD दे रखी है, 15.6 इंच की TN पैनल वाली डिस्प्ले है, विंडो 11 होम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है,
38 वॉट आवर की बैटरी जो आपको 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप देगी और रैपिड चार्ज का भी सपोर्ट दे रखा है। मतलब यह है कि भाई ये लैपटॉप काफी जल्दी चार्ज होगा, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और DDR5 RAM दे रहे कि DDR5 RAM जो था भाई काफी ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू DDR4 RAM। तो अगर तुम कोई सा भी ऐसा टास्क करते हो जिसके अंदर मेमोरी का यूजेज जो था ज्यादा चाहिए तो भाई यहाँ पे 8 GB DDR5 RAM काफी बेटर परफॉर्म करेगी अगर DDR4 से कंपेयर करोगे तो। अब यहाँ पे दोस्तों बारी आती है हमारे तीसरे लैपटॉप की। तीसरा लैपटॉप भी भाई लेनोवो की तरफ से आता है, लेनोवो V15G4। प्राइसिंग 25,500 रुपए अमेजोन पे देखने के लिए मिल जाएगा और भाई इस लैपटॉप की प्राइसिंग थोड़ी सी कम है। अभी जो था भाई 25,500 रुपए डिस्काउंट लगा लगू के जो था भाई ये तुम्हें अराउंड 23,500 रुपए का पड़ जाएगा, मतलब 25,000 के बजट जो है ना उससे भी नीचे का चला जाएगा और ये चीज जो था भाई इसको काफी बढ़िया बना देती है, मतलब काफी सस्ता लैपटॉप है। और बात करते हैं भाई यहाँ पे सीपीयू की, तो यहाँ पे हम लोगों को Ryzen 7 120U दे रखा है, 2 कोर 2 थ्रेड का सीपीयू है, 3.5 GHz सेटअप, वो क्लॉक है, 2 MB का कैश है और Radeon 610M के ग्राफिक्स हैं। अब परफॉर्मेंस वाइज भाई ये वाला सीपीयू जो होता है ना थोड़ा लोअर एंड में आ जाता है, आप यहाँ पे अपना बेसिक काम कर सकते हो, एमएस ऑफिस वाला, स्प्रेडशीट वाला, स्कूल कॉलेज वाला। अगर तुम फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग करने की सोच रहे हो तो भाई मैं बोलूंगा मत लेना इस लैपटॉप को, बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता भाई वीडियो एडिटिंग को, तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर तुम लोग 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग करने बैठ गए तो भाई इसकी लंका लग जाएगी। बात करते हैं रैम की, यहाँ पे 8 GB LPDDR5 RAM दे रखी है, 512 GB M.2 SSD है, 15.6 इंच की 1080p डिस्प्ले है, विंडो 11 होम दे रखी है, 4 घंटे का बैटरी बैकअप है। अब देखो बाकी सारी चीजें भाई नॉर्मल है पर यहाँ पे सीपीयू परफॉर्मेंस जो था भाई थोड़ा सा वीक दे रखा है और देखो इस बजट में जो होता है ना भाई ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी मुश्किल है। मतलब यहाँ पे एक ही ब्रांड है Xeveronics, उसका ही लैपटॉप जो था भाई बढ़िया लगा मेरे को। बाकी लेनोवो वाला भी जो था जो इससे पहले वाला था भाई वो भी ठीक ठीक था, ज्यादा अच्छा तो नहीं था। अब देखो Xeveronics चाइनीज था भाई इसलिए पकड़ा रहा है वो भी, अदरवाइज जो था भाई जो रेपुटेड ब्रांड्स है भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं देते स्पेक्स। अब यहाँ पे दोस्तों बारी आती है इस वीडियो के सबसे सस्ते लैपटॉप की और ये लैपटॉप भाई उन बंदों के लिए जो चाहते हैं भाई किसी भी तरह करके हमारे पास एक लैपटॉप आ जाए बस, ठीक है, मतलब उनका मेन प्राइमरी फोकस ही है कि भाई लैपटॉप मिल जाए हम लोगों को। तो यहाँ पे भाई आप लोग जा सकते हो भाई Asus VivoBook के साथ, प्राइसिंग 23,000 रुपीज़ है, अमेजोन पे देखने के लिए मिल जाएगा और भाई इसकी सीपीयू परफॉर्मेंस जो था भाई बिल्कुल पहले वाली की तरह, उससे थोड़ी सी बल्कि नीचे ही है, ठीक है। और देखो मैं सच बता रहा हूँ भाई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुम लोग जो था भाई गेम वेम चला लोगे, पहले वाला जो लैपटॉप है ना पहले वाला दूसरा वाला वो फिर भी एक बार अगले गेम चला सकता है, मतलब GTA 5 चला देगा, पर ये दोनों लैपटॉप जो था भाई बिल्कुल ही बस। तो बात करते हैं सीपीयू की, तो यहाँ पे हम लोग को इंटेल सेलेरॉन दे रखा है N4500, 2 कोर 2 थ्रेड का सीपीयू है, 2.8 GHz की स्पीड है, 4 MB का कैश है, 8 GB RAM दे रहा है कि रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते और परफॉर्मेंस वाइज भाई मैंने बोल ही दिया था कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इनफैक्ट यहाँ पे जो टर्बो स्पीड है भाई वो भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शॉर्ट बर्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 2.8 GHz का और ये 3 GHz को भी पार नहीं कर पाता। तो भाई परफॉर्मेंस वाइज ये वाला सीपीयू जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है भाई नीचे आता है, लोअर बिल्कुल लोअर गरीब वाली क्लास कह लो कुछ भी कह लो। और बात करते हैं भाई यहाँ पे SSD की, 256 GB की M.2 SSD है और PCIe 3 सपोर्टेड है, 14 इंच 1080p डिस्प्ले है, 200 nits की ब्राइटनेस है, विंडो 11 होम हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप है और यहाँ पे एक ही चीज़ धंकी लगी मेरे को, फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है, 180° का फ्लैट हिंज भी दे रखा है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो था भाई वही काम की चीज़ है, अदरवाइज जो था भाई मैं तो यही बोलूंगा भाई पहले वाले लैपटॉप के साथ चल जाओ, Xeveronics वाले के साथ, या अगर तुम्हें थोड़ा ब्रांड की वो है ठीक है तो दूसरे वाले के साथ चल जाओ, आखिरी के दोनों लैपटॉप भाई यूं ही है चलते फिरते से। तो दोस्तों ये थे भाई हमारे टॉप 5 कह लो टॉप 4 कह लो बेस्ट लैपटॉप 25,000 रुपीज़। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अंदर देख लिया, आपको वीडियो पसंद है, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को बड़ा सा लाइक करना है, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करना है, इस तरह के लैपटॉप टेक कंटेंट को तो मिलता है और नई वीडियो में।